हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया था, और उस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों का लास्ट लेक्चर था फिनिशिंग ऑपरेशन से रिलेटेड लैपिंग और हॉर्निंग प्रोसेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज में और उसके फिनिशिंग ऑपरेशन के बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लैपिंग और हॉर्निंग कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा, जैसे हमारा बफिंग प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, गैल्वनाइजिंग क्या होता है, मेटल स्प्रेइंग क्या होता है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो इन सारे ऑपरेशन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब देखें, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। देखिए, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का मतलब समझिएगा, जैसे कि यहाँ हमने फिनिशिंग ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशन के अंदर एक ऑपरेशन होता है जिसे सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब ये मत समझिएगा कि सुपर फिनिशिंग और फिनिशिंग दैट इज सेम ऑपरेशन, है ना, सेम नहीं है, समझिएगा। ये इसका पार्ट है। इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास जो क्रैंक शाफ्ट होती है, उसके जो जर्नल होते हैं, जो बियरिंग होती है, बियरिंग के जो जर्नल होते हैं, उन सारे जर्नल की सुपर फिनिशिंग अगर हमें करनी हो, तो उस समय सपोज करिए कि ये मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट है। अब ये किसकी क्रैंक शाफ्ट है, ऐसे मान लीजिए, मान लीजिए ऐसा हमारे पास एक वर्कपीस है। अब ये वर्कपीस हमारे पास सिलेंड्रिकल है। अब इस वर्कपीस के इस सरफेस पर, इस जनरल पर हमें फिनिशिंग ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टूल लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग एक टूल लगाएंगे, और ऐसा टूल लगाएंगे सिमिलर, सपोज करिए इसकी हमें फिनिशिंग करनी थी, तो हम लोग इस तरीके का एक टूल लगाएंगे, ऐसा। आप जब हम लोग इसे 3D में देखेंगे, तो इस तरीके का हमारा टूल आपको दिखाई देगा। और ये टूल हमारा बनता है स्टोन का, डायरेक्टली स्टोन आर यूज्ड इन दिस ऑपरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं स्टोन। अब हम क्या करते हैं, इस स्टोन को होल्ड करते हैं होल्डर से, इसके ऊपर एक हम लोग ऐसा, जब इसे 2D देख लेते हैं, हम लोग इसके ऊपर एक ऐसा होल्डर लगा देते हैं इस तरीके से, और होल्डर को ऐसे इससे टूल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा, जब ये वर्कपीस हमारा रोटेट करेगा, सपोज करिए कि ये वर्कपीस हमारा ऐसे n rpm पर रोटेट करे, और इस मेटैलिक टूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मेटैलिक का मतलब स्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो ये स्टोन की सरफेस और वर्कपीस की सरफेस आपस में टच होंगी, देन वर्कपीस घिसेगा, स्टोन भी घिसेगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है वर्कपीस की सरफेस को फिनिश करना। तो उस समय जब ये स्टोन और वर्कपीस दोनों घिसेगा, तो वर्कपीस की सरफेस हमारी क्या होगी, फिनिश होना शुरू हो जाएगी। अब इस स्टोन को हम लोग इस तरीके से ऑसिलेशन मोशन देते हैं। देखें, वर्कपीस को हम लोग रोटेट कराते हैं और टूल को हम लोग रेसिप्रोकेट कराते हैं, देन टूल पर ऐसा एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, टूल पर हम ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे, या हम कह सकते हैं कि टूल को फिक्स कर दें, तो वर्कपीस पर एक ऐसा फोर्स अप्लाई करके रखेंगे और वर्कपीस को रोटेट भी कराएंगे, देन इन दोनों के बीच का सरफेस
फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन कहते हैं। जब स्टोन टूल आर यूज, ऐसे देखिए, व्हेन स्टोन टूल आर यूज, जब स्टोन के टूल का उपयोग करेंगे, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, इन दिस ऑपरेशन वर्कपीस आर रोटेटेड एट एन आरपीएम। इन दिस ऑपरेशन वर्कपीस आर रोटेट एंड टूल का मतलब स्टोन, टूल आर रेसिप्रोकेट एंड टूल आर रेसिप्रोकेट और हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर फोर्स, या तो टूल के द्वारा या वर्कपीस के द्वारा, मैक्सिममली हम वर्कपीस के द्वारा प्रेशर फोर्स को अप्लाई करके रखेंगे, जिससे वर्कपीस और टूल आपस में इंटरसेक्ट रहें। प्रेशर फोर्स अप्लाई ऑन द वर्कपीस सरफेस। अच्छा, इस ऑपरेशन को हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस पर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे अभी ये एक्सटर्नल सरफेस पर कर रहा है, अगर इस टूल को, ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेल हो और इस टूल को इसके अंदर फिट कर दिया जाए, देन इसे हम रोटेट कराएं और इसे ऑसिलेट कराएं, जब ये टूल हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाए इस तरीके से, ऐसा फिक्स हो जाए और ये इसके कांटेक्ट में आए, तो उस समय हमारा ये ऐसे ऑसिलेट करेगा और वर्कपीस रोटेट करेगा, देन इसके इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। इस ऑपरेशन को हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से आसानी से कर लेते हैं। अब इसमें जो सरफेस फिनिशिंग आती है वो लगभग 0.01 माइक्रोन तक आती है। सरफेस फिनिशिंग देखें, इन दिस ऑपरेशन, जैसे सपोज करिए कि ये वर्कपीस में ऐसे छोटी छोटी एजेस निकली होंगी, जब हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो इन एजेस को बर कहते हैं, तो इन बर को हम रिमूव करते हैं तो लगभग 0.01 माइक्रोन तक ये क्या करता है, सरफेस फिनिशिंग देता है। 0.01 माइक्रोन सरफेस फिनिश आर प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड अगर इस ऑपरेशन को हम लोग इसे रोटेट कराएं और इसे ऑसिलेट कराएं, तो लगभग 30 सेकेंड में हमारा ये ऑपरेशन 0.01 mm तक हमारा ये क्या करेगा, माइक्रोन तक सरफेस को रिमूव कर देगा। अब इसमें अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स या इंटरनल प्रेशर फोर्स लगाते हैं तो उनकी भी वैल्यू होती है। वो वैल्यू आपकी कितनी होती है देखिएगा, जब हम बात करेंगे फॉर एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल हम फिनिशिंग करेंगे तो उस समय इनकी वैल्यू 0.02 से, देखिए फोर्स इज
फोर्स इज इक्वल टू 0.02 से 0.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगाते हैं। और अगर इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग करनी हो, जैसे सपोज करिए कि ये इस तरीके का आपका इंटरनल सरफेस हो, अब यहाँ पर हम लोग अपना टूल लगा दें, ऐसे यहाँ पे अपना टूल लगा दें और ये सरफेस आपकी रोटेट करे, ये टूल आपका इस तरीके से ऑसिलेट करे, तो इस तरीके से इसमें हम इंटरनल सरफेस पर, अब इस पे जो वर्कपीस पर ऐसा देखें, वर्कपीस पर ऐसा हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो लगभग एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर इंटरनल फोर्स ये होता है 0.02 से 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 0.033 भी होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे ये हमारे शाफ्ट हो गए, इन शाफ्ट के जनरल में, बियरिंग के जनरल में, तो क्रैंक शाफ्ट और बियरिंग के जनरल के लिए दिस ऑपरेशन इज यूज्ड। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड इन क्रैंक शाफ्ट एंड बियरिंग जनरल। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। कभी कभी हम लोग देखें सिलेंड्रिकल सेल के जितने भी वर्क पीस होंगे, जैसे पिस्टन हो गया, पिस्टन के अपर सरफेस पर भी हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, पिस्टन भी हम लोग कर लेते हैं एंड सिलेंड्रिकल सेल, एंड जो भी हमारे सिलेंड्रिकल वर्कपीस होंगे उनमें हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। ये स्टोन का टूल हमारा यूज किया जाता है और ये टूल होल्डर है और ये वर्कपीस है। चलिए अब इस तरीके से हम लोग सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे। देन नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, अगला ऑपरेशन हमारा स्टार्ट होगा पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन। पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन, पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल लेवल के वर्क, देखिए पॉलिशिंग का मतलब एक्सटर्नल पॉलिश नहीं की जाती है, इसमें क्या होता है सिमिलर यही सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, वर्कपीस के माइक्रो लेवल के बर को रिमूव किया जाता है लेकिन वो लगभग निग्लिजिबल होता है। सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा वर्कपीस हो, देखिए हमारे पास इस तरीके का एक वर्कपीस हो, अब इस वर्कपीस में मान लीजिए हम एक व्हील ऐसा लगा दें, सपोज करिए कि एक हमने ऐसा व्हील ले लिया, अब इस व्हील के ऊपर या तो हम लोग सॉफ्ट लेदर, कॉटन कपड़ा या लेनिन क्लॉथ, कुछ भी, मतलब जो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट कॉटन लेनिन, इस तरीके से हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे, इस व्हील के ऊपर हम ऐसा लेयर लगा देंगे। उसके बाद जब ये व्हील हमारा रोटेट करेगा तो ये जो लेनिन या क्लॉथ या फिर हमारा सॉफ्ट लेदर है इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके मेटल को क्या करेगा, स्मूथ करेगा, बहुत ही ज़्यादा सरफेस को फिनिश करेगा, इतनी फिनिश करेगा कि ये बिल्कुल शाइन करने लगेगी, ग्लेज करने लगेगी, चमकने लगेगी,
तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग, यही ऑपरेशन हमारा कहलाता है बफिंग ऑपरेशन। ये हमारा बफिंग व्हील होता है, ये वर्कपीस होता है, तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग बफिंग ऑपरेशन कहते हैं। जिसमें हम लोग पॉलिशिंग, क्या होता है पॉलिशिंग में होता है कि जैसे हमारे पास इस तरीके का एक टूल हो, सपोज करिए हमारे पास इस तरीके का एक टूल हो, इसमें हम लोग छोटे छोटे एब्रेसिव नीडल को फिट कर दें। ऐसे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे ऐसे एक एब्रेसिव नीडल को हम लोगों ने लगा दिया, दूसरे नीडल को, तीसरे, इस तरीके से इसके चारों तरफ जब आप देखेंगे तो चारों तरफ इसके एब्रेसिव नीडल्स लगे होंगे। इस पे क्या करेंगे, जब ये सारी नीडल भी अपने इंडिविजुअल रोटेट करती हैं, ये सारी नीडल अपनी इंडिविजुअल ऐसे रोटेट करेंगी और इस टूल को भी हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे। जिस भी, ये सॉफ्ट नीडल होती हैं, सॉफ्ट नीडल, जिस भी वर्कपीस के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, जैसे सपोज करिए ये इस तरीके का होगा और अगर इसके ऊपर ऐसे रोटेट कराएंगे तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, धीरे धीरे रब होकर फिनिश हो जाएंगे। तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, वर्कपीस को बहुत ज़्यादा स्मूथ और चमकीला बनाते हैं। दिस ऑपरेशन इज प्रोड्यूस वेरी वेरी शाइन सरफेस ऑफ वर्कपीस, दोनों पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं पॉलिशिंग एंड बफिंग, पॉलिशिंग एंड, ये हमारा होता है बफिंग ऑपरेशन और ये हमारा होता है पॉलिशिंग, पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड, यूज्ड टू प्रोवाइड वेरी शाइन सरफेस ऑफ वर्कपीस, वेरी शाइन सरफेस ऑफ वर्कपीस, बहुत ही ज़्यादा चमकीली सरफेस को हमारा ये प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जो हम लोग टूल यूज करते हैं इन बफिंग ऑपरेशन, ऐसे देखिए, इन बफिंग ऑपरेशन बफर व्हील आर यूज, बफर व्हील इन विच, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉटन, जिसमें हम लोग कॉटन कॉमा सॉफ्ट लेदर कॉमा, या तो हम कॉटन का उपयोग करेंगे या सॉफ्ट लेदर का उपयोग करेंगे या लेनिन क्लॉथ और लेनिन क्लॉथ आर यूज, तो इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देन उसके बाद इस सरफेस पर, इस वर्कपीस की सरफेस पर हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे, तो जिससे इसकी सरफेस हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्लोसरी और चमकीली प्राप्त होगी। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग सुपर फिनिशिंग के अंतर्गत पॉलिशिंग और बफिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसमें जो मेटल रिमूव होता है, इसमें और इसमें लगभग निग्लिजिबल रिमूव होता है, ना के बराबर, बल्कि वो उसको स्मूथ करता है। जैसे आप समझिए कि ये सॉफ्ट हो जाए, अगर इसको हम लोग इस क्लॉथ से पकड़ें और इसको लगातार ऐसे रब करते रहें तो यहाँ से मेटल रिमूव कम होगा, लेकिन कुछ देर बाद इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा ग्लॉसरी और चमकीली हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं
कि नेग्लिजिबल मेटल आर रिमूव बाय दिस ऑपरेशन, नेग्लिजिबल मेटल आर रिमूव इन दिस ऑपरेशन, लगभग ना के बराबर इस ऑपरेशन में हमारा मेटल रिमूव होता है। उसके बाद देखिए, जब इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी ये पूछता है कि अगर यहाँ पर क्लॉथ की जगह हम लोग आयरन ऑक्साइड के मटेरियल का उपयोग कर लें, या इस क्लॉथ की जगह हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या निकल के मटेरियल का उपयोग कर लें तो क्या होगा, तो भी ये मेटल को रिमूव करेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा सरफेस फिनिश नहीं आएगी, बट फिर भी आएगी, बिकॉज ऑफ वर्क पीस हमारा हार्ड होगा और जो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड या निकल यूज करेंगे वो हमारे सॉफ्ट होंगे। तो अगर ये हार्ड बहुत ज़्यादा मेटल होगा तो उस समय हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए, फॉर फिनिशिंग, ये भी मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है, फॉर फिनिशिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड आर यूज, इस व्हील पे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं फिनिशिंग के लिए। और उसके बाद अगर ये हमारा क्या हो, सपोज करिए कि फॉर सॉफ्ट एंड सॉलिड सरफेस, तब हम लोग क्या करेंगे, निकिल का उपयोग कर लेंगे या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कर लेंगे। देन निकिल एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर यूज। तो इस तरीके से इन सारे ऑपरेशन को हम लोग, दोनों बफिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन बोथ आर सेम, दोनों ऑपरेशन हमारा क्या होता है, लगभग सेम होता है। और ग्राइंडिंग ऑपरेशन जब हम कर लेते हैं तो आफ्टर ग्राइंडिंग ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जैसे ये वर्क पीस है, अगर इसमें हम लोग ग्राइंडिंग कर लेंगे तो सरफेस फिनिश तो मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी हमें अचीव करनी थी। तो और ज़्यादा स्मूथ और डेकोरेटिव सरफेस बनाने के लिए हम लोग इस ऑपरेशन को करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, आफ्टर ग्राइंडिंग ऑपरेशन पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन आर यूज। पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन आर यूज। अब इसको हम लोग यूज करते हैं तो केवल वर्कपीस की सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ, रिफ्लेक्टिव या ग्लॉसरी बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, चिकनी बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वर्कपीस सरफेस अचीव वेरी स्मूथ कमा ग्लॉसरी एंड अट्रैक्टिव। तो इस तरीके का ऑपरेशन को पॉलिशिंग और बफिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे थे कुछ फिनिशिंग ऑपरेशन। हम लोग अब थोड़ा सा जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन और मेटल स्प्रेइंग ऑपरेशन के बारे में समझ लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक ऑपरेशन करते हैं मेटल के ऊपर कोटिंग करने के लिए तो वो क्या होते हैं, और कुछ हम लोग मेटल स्प्रेइंग ऑपरेशन को पढ़ लेते हैं, जैसे गैल्वनाइजिंग वगैरह हमारा होता है, स्प्रे गैल्वनाइजिंग, सेरार्डाइजिंग, पार्किराइजिंग,
तो इन सारे ऑपरेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल कोटिंग प्रोसेस। मेटल कोटिंग प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के तहत वर्कपीस के ऊपर एक मेटालिक लेयर चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारा वर्कपीस की सरफेस स्मूथ हो जाती है, चमकीली हो जाती है, कोरोजन और इरोजन से प्रतिरोध हो जा मतलब रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग ऐसे वर्कपीस के लिए अचीव करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्कपीस हो, अच्छा देखिए इस वर्कपीस को सपोज करिए, अगर इस वर्कपीस की अपर सरफेस को हार्ड करना है तो उस समय या तो हम इस पर हार्डनिंग प्रोसेस यूज करेंगे, लेकिन हार्डनिंग प्रोसेस में वर्कपीस को फर्नेस में ले जाकर गर्म करके फिर क्विंचिंग कूल करना होगा और इसे अपने एनेलिंग टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म करके फिर फर्नेस से निकाल कर अचानक से लिक्विड में डालकर क्विंचिंग कूल करना होगा। लेकिन अगर उस ऑपरेशन को हम ना करें, हमारे पास सपोज करिए लाइट स्मॉल साइज के वर्कपीस हों और लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाले हों, तो उस समय हम उन वर्कपीस की अपर सरफेस पर जब हार्डनिंग प्रोसेस प्रोवाइड करना चाह रहे थे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे देखिए, कई सारे ऑपरेशन के तहत इसकी अपर सरफेस को हार्ड करते हैं। सपोज करिए कि हमारा वर्कपीस हो और इस वर्कपीस को मान लीजिए कि हम एक कंटेनर में रख दें, ऐसे एक कंटेनर में हम इसको रख दें और इस कंटेनर में हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दें। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लोग इसमें भर दें। सपोज करिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारा हो जाए ऐसे, इलेक्ट्रो लाइट सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट या लेड सल्फर, है ना, इस तरीके से, या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग इसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डीसी पावर सप्लाई ले लें, यहाँ पर हम लोग डीसी पावर सप्लाई ले लें और इस पावर सप्लाई के एक टर्मिनल को वर्कपीस से कनेक्ट कर दें और एक टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट कर दें। अब कंडीशन याद रखिएगा कि अगर वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से
और इलेक्ट्रोलाइट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। जब हम लोग यहाँ से मोस्टली डीसी पावर यूज करेंगे और जब पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो देखिए वर्कपीस हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव टर्मिनल है। तो वर्कपीस एक कैथोड की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोलाइट एक एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, देन ये क्या करेंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट के सोलूशन को ये एक्टिव करेंगे। और एक्टिव करके आप देखिए, जब ये कॉपर सल्फेट था और एक्टिव करके इसके सोलूशन को तोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा कॉपर प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। कॉपर में टूट जाएगा और सल्फर में टूट जाएगा, सल्फेट में। तो इसमें अब क्या होगा, देखें जब यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस सल्फेट को कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे तो यहाँ कॉपर प्लस 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 सल्फेट माइनस में टूटेगा। तो जो पॉजिटिव आयंस आप देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस देख रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव कैथोड की तरफ। और वर्कपीस आपका नेगेटिव है तो इसके पूरी सरफेस डूबी होने के कारण ये कॉपर के सल्फेट इसके ऊपर आकर कवर करते चले जाएंगे। और आफ्टर सम टाइम, लगभग इस प्रोसेस को हम लोग 45 मिनट के आसपास करते हैं, तो उस समय तक पूरी वर्कपीस की सरफेस पर कॉपर की एक पतली लेयर बन जाती है। ऐसे ऑपरेशन को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसको करने का मेन एडवांटेज क्या है कि वर्कपीस की जो अपर सरफेस है जिस पे कॉपर की एक लेयर बन जा रही है, इससे हमारा वर्कपीस क्या हो रहा है, कोरोजन और इरोजन रेजिस्टेंस हो जा रहा है। तो इसीलिए इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इस ऑपरेशन के बारे में हम लोग नोट करते हैं। इन दिस ऑपरेशन वर्कपीस आर डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। वर्कपीस आर डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कौन कौन सा यूज करेंगे, याद रखिएगा, या तो कॉपर सल्फेट का उपयोग कर लेंगे, या लेड सल्फेट का उपयोग कर लेंगे, या जिंक सल्फेट का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का हम लोग उपयोग कर लेंगे, है ना। देन मोस्ट देखिए एसी या डीसी दोनों पावर का उपयोग करेंगे, लेकिन डीसी डायरेक्ट करंट होती है तो इसलिए डीसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। डीसी पावर आर यूज्ड, बट मोस्टली डीसी प्रेफर्ड। डीसी को हम प्रेफर्ड कर देते हैं। और ये पूरा ऑपरेशन हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। दिस ऑपरेशन इज, ये नोट पॉइंट करके लिखिएगा, इससे आता है क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि दिस ऑपरेशन इज वर्क एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑपरेशन हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस ऑपरेशन के लिए क्या होता है, ये लगभग टू टाइप्स लॉ
आर वर्क्स। फर्स्ट हमारा क्या होता है, देखिए ये जितना इसका मेटल हमारा रिमूव होगा इस वर्क, ऐसे देखिएगा ये जो कॉपर सल्फेट में कॉपर हमारे टूटेंगे, कॉपर टूटेंगे तो वो कॉपर हमारे क्या होंगे, इस वर्क पीस के ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो कुछ वॉल्यूम में डिपॉजिट होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिशन ऑफ कॉपर या वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिशन ऑफ प्लेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाई। वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिशन ऑफ मेटल कोटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाई। सेकेंड हमारा ऐसे कह सकते हैं इसको, V प्रोपोर्शनल या V बराबर के आई टी, वेयर V इज इक्वल टू, ऐसे देखिए वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिशन, जो वर्क पीस पे हमारा मेटल डिपॉजिट होगा, वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिशन एंड I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट, जितनी अमाउंट करंट लगेगी इस वॉल्यूम को डिपॉजिट करने में, I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम डिपॉजिशन। ये हो जाएगा। देन T इज इक्वल टू टाइम ड्यूरिंग टाइम, जितना टाइम लगेगा इस पूरे मेटल को डिपॉजिट करने में, तो T इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट मेटल। और K हमारा क्या है, के एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रिक देखिए इस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर, के इज कांस्टेंट, यहां पर लिख दे रहे हैं के इज कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। इसमें वर्कपीस की सरफेस के ऊपर इन जनरल कॉपर की कोटिंग करते हैं, जिससे वर्कपीस की सरफेस हमारी क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, और स्मूथ होने के बाद इसकी सरफेस हमारी कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए, ऑक्साइड की लेयर ऑक्साइड फॉर्मेशन से भी बचा सके। चलिए
अब इसमें देखिएगा, ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तो वर्कपीस हमेशा इसमें एक कैथोड की तरह एक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्कपीस एक्ट एज ए कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज ए एनोड। इलेक्ट्रोलाइट एक एनोड की तरह वर्क करता है और वर्कपीस एक कैथोड की तरह एक्ट करता है। उसके बाद देखिएगा, इस ऑपरेशन को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो कॉपर की कोटिंग हो जाती है। कॉपर कोटिंग आर डन बाय दिस ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस टू प्रोटेक्टिव सरफेस ऑफ प्रोड्यूस टू प्रोटेक्टिव सरफेस ऑफ वर्कपीस बाय इरोजन एंड कोरोजन। इरोजन और कोरोजन से बचने के लिए हम इस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद देखें, इस ऑपरेशन पे कुछ मेरिट्स भी होती हैं और कुछ डीमेरिट होती हैं। मेरिट तो ये हो जाती है कि इरोजन और कोरोजन से हम वर्कपीस को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को करते हैं, लेकिन इसकी डीमेरिट ये है कि एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट को भर कर हम इस ऑपरेशन को करते हैं, तो इस वजह से कंटेनर का साइज हमेशा लिमिटेड होगा। तो लिमिटेड कंटेनर के साइज की वजह से वर्कपीस का साइज भी हमेशा क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो अगर हम बात करें इसके लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन हमेशा क्या होता है, वर्कपीस साइज आर लिमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर। साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर। दूसरा इसका डिसएडवांटेज यह होता है कि अगर हम किसी एक या दो सरफेस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहें तो हम जब इसे डिप कराएंगे तो इसकी पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। और तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम सपोज करिए हॉलो सरफेस यहाँ पे रखें और हम चाहें कि इसके अपर सरफेस पर हमारी क्लोर कोटिंग हो, तो अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट भर जाएगा और अंदर और बाहर दोनों तरफ इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोड्यूस कोटिंग। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस दोनों की कोटिंग हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गैल्वनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल में अगर हम किसी वर्कपीस की लेयर पर कोटिंग करते हैं तो वो हमारा गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन कहलाता है। गैल्वनाइजिंग का मतलब, जैसे आप समझते होंगे एक पाइप आती है GI, आप लोग मार्केट में जा कर कहते होंगे कि हमें GI पाइप चाहिए और इसका उपयोग हम बोरिंग में करते हैं, जो वाटर पंपिंग होता है, हैंडपम्प वगैरह लगते हैं, तो उसमें जिस पाइप का यूज करते हैं उसे हम लोग GI पाइप के नाम से जानते हैं। तो GI का मतलब होता है गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। पाइप आपकी आयरन की होती है लेकिन उसके ऊपर गैल्वनाइजिंग प्रोसेस से कोटिंग की जाती है
ताकि वो हमारा जिंक, देखिए उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो हमारा जंग लगने से बचा रहे, इरोजन से बचा रहे और कोरोजन से बचा रहे। तो इस ऑपरेशन को गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं, गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन। इसे नोट करिए, गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन। देखिए जब किसी वर्कपीस पर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं और उससे हम लोग वर्कपीस की सरफेस को प्रोटेक्टिव देते हैं। देखिए When workpiece in this process, zinc are used as a coating on the surface of workpiece. In this process, used to coating of zinc. अच्छा जिंक के साथ साथ हम लोग अदर मटेरियल की भी कोटिंग कर लेते हैं, कॉपर की भी कर लेते हैं, सल्फर की भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जिंक का उपयोग करते हैं इस ऑपरेशन में। और किसके ऊपर करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ स्टील, या तो हम लोग स्टील के ऊपर और आयरन, आयरन के ऊपर हम लोग इसकी कोटिंग कर देते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन को गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं। इससे हमारा वर्कपीस क्या होता है, वर्कपीस आर प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव वर्कपीस हमारा प्रोटेक्टिव हो जाता है, हाईली इरोजन एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग गैल्वनाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसको हम लोग कई मेथड में करते हैं, मेथड के बारे में जानते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कई मेथड में करते हैं। टाइप्स ऑफ गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग के प्रकार, देखिए पहला मेथड जो होता है वो होता है हॉट डिप गैल्वनाइजिंग या डिप कोटिंग गैल्वनाइजिंग। उसमें होता क्या है कि एक कंटेनर, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसकी जगह पर हम यहाँ पे जिंक पाउडर भर देते हैं और गर्म करते हैं। इसे वर्कपीस को भी हटा लीजिए, केवल अगर इस कंटेनर में जिंक पाउडर भर दें, मान लीजिए ऐसा एक कंटेनर हो और इसमें हम लोग पहले जिंक पाउडर भरें इस तरीके से, ये जिंक पाउडर हो जाए। अब इस जिंक पाउडर को हम लोग क्या करें, हीट देना शुरू करें तो ये गर्म होकर मेल्ट होने लगेगा। जब ये मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, ये वर्कपीस हमारा होगा। अब इस वर्कपीस को सपोज करिए इसका टेम्परेचर लगभग 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब पहुँच जाता है जिंक पाउडर का टेम्परेचर, तो हम इस वर्कपीस को, चाहे वो आयरन हो चाहे वो स्टील हो, इसको गर्म करेंगे और कहाँ तक, अपने एनीलिंग टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव। फिर उसके बाद इस वर्कपीस को ठंडा करेंगे और कोल्ड करके कहाँ तक टेम्परेचर लाएंगे,
इस सोलूशन के बराबर टेम्परेचर इसका लाएंगे, फिर इस वर्क पीस को इसमें डिप कर देंगे और आफ्टर सम टाइम इसे बाहर निकाल लेंगे तो इस जिंक की कोटिंग पूरे सरफेस पर आसानी से हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को देखें, हमने इसे गर्म किया और वर्क पीस को डिप किया, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हॉट डिप गैल्वनाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा होगा हॉट डिप गैल्वनाइजिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं डिप कोटिंग गैल्वनाइजिंग। डिप कोटिंग गैल्वनाइजिंग, चलिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको हटा के एक स्प्रे गन का यूज करें। इस मेटल को, यहाँ वर्कपीस था, यहाँ से ऐसे स्प्रे गन का यूज करके इस मेटल को एटोमाइज फॉर्म में लिक्विड करके इसके ऊपर स्प्रे करा दें तो जो कोटिंग होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग। स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है सेरारडाइजिंग, उसको भी हम लोग आपको बता रहे हैं, एक बंद चैम्बर में उसको हम लोग भरते हैं। सेरार डाइजिंग, उसके बाद एक प्रोसेस होता है पार्किराइजिंग, पार्किराइजिंग में भी ऐसे ही एक कंटेनर होता है और उस पर हम लोग इसको भरकर करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वनाइजिंग, और लास्ट हमारा होता है जैसे हम लोग यहाँ पर हॉट डिप गैल्वनाइजिंग करते थे उसी तरह कोल्ड डिप गैल्वनाइजिंग, कोल्ड डिप गैल्वनाइजिंग। तो इतने मेथड से हम लोग उस वर्कपीस के ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को गैल्वनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रिव्यू लेते हैं इन सब के बारे में कि हॉट डिप गैल्वनाइजिंग कैसा होता है, स्प्रे कोटिंग कैसा होता है, सेरारडाइजिंग कैसा होता है। तो इसे नोट कर चुके होंगे, फिर हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉट डिप गैल्वनाइजिंग। इसमें क्या होगा, सपोज करिए ये हमारे पास एक कंटेनर हो, और इस कंटेनर में हम लोग
मान लीजिए इस कंटेनर में हम लोग ऐसा अपना एक पाउडर रखें, और ये किसका पाउडर रखते हैं, जिंक पाउडर। इस चीज़ को याद रखिएगा, गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में जिंक की कोटिंग करते हैं, तो इसीलिए जिंक पाउडर रखेंगे। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीके से हीट जब हम लोग इसको देंगे तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, और ये पाउडर मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पाउडर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास वर्क पीस होगा, ये वर्क पीस होगा, हम इस वर्क पीस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन कंटेनर जिंक पाउडर आर यूज्ड, और जिंक पाउडर को हम लोग गर्म करके मेल्ट कर लेंगे, एंड मेल्ट द जिंक पाउडर बाय प्रोवाइडिंग हीट। हीट को देकर हम इसे मेल्ट कर लेंगे, और इसका टेम्परेचर कितना रखेंगे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस को अपने एनीलिंग टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, उसका भी रीजन बता रहे हैं। वर्कपीस आर हीटेड एट एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग टेम्परेचर तक गर्म करने से इस वर्कपीस के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। जब स्ट्रेसेस रिमूव हो गए फिर इस वर्कपीस को ठंडा करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में वर्कपीस कूल्ड एट सेम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड के टेम्परेचर के बराबर वर्कपीस के टेम्परेचर को हम लोग रखेंगे। तो अब उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर इसका टेम्परेचर कम इसका ज़्यादा होगा तो भी ये हीट, ये वर्कपीस इसको हीट देने लगेगा, इसका ज़्यादा और इसका कम होगा तो ये हीट लेने लगेगा इससे, तो यहाँ पर क्विंचिंग कूलिंग हो सकती है, हार्डनिंग हो सकती है, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर सेम रखेंगे। देन आफ्टर वर्कपीस को डिप करा देंगे इस कंटेनर में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस डिप इन लिक्विड आफ्टर 45 मिनट, ये याद रखिएगा, आफ्टर टाइम भी पूछ सकता है आपसे, 45 मिनट रिमूव द वर्कपीस फ्रॉम कंटेनर, कंटेनर से हम वर्कपीस को रिमूव कर लेंगे। ये यहाँ पर अपने वर्कपीस को हमने ऐसे रखा हुआ था, अब इस वर्कपीस को हम लोग रिमूव कर लेंगे। जब रिमूव करेंगे तो इस वर्कपीस पर जिंक की कोटिंग हो जाएगी। देन द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस। अच्छा, इस पे मान लीजिए कि ऐसे कोटिंग हो गई है, अब कहीं पे आपकी मोटी कहीं पतली कोटिंग होगी, क्योंकि हमने डिप किया था, एक बराबर कोटिंग तो होगी नहीं, और डिप करके जब हम निकाले थे तो कोटिंग तो हो गई है लेकिन उसकी लेयर अभी सरफेस फिनिश नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस को एक यहाँ पर रोलर होगा एक यहाँ पर होगा,
इस रोलर से ऐसे गुजारेंगे तो इसके पूरे सरफेस फिनिश हो जाएगी, इसकी सरफेस। फिर वर्कपीस को पलट कर इस सरफेस को भी इसके ऊपर से गुजारेंगे तो पूरी सरफेस हमारी स्मूथ हो जाएगी। अब क्या होगा, वर्कपीस पासेस बिटवीन टू रोलर्स देन द स्मूथ एंड शाइन सरफेस प्रोड्यूस। तो इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग डीप कोटिंग या हॉट डीप गैल्वनाइजिंग कहते हैं। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड हॉट डीप गैल्वनाइजिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग, चलिए अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग के बारे में जानते हैं, पहले प्लाज्मा की आर्क बनाते हैं, फिर उस आर्क को नोजल के थ्रू स्प्रे करके वर्कपीस के ऊपर पूरा फ्लो कराते हैं। सिमिलर वही प्रोसेस हम इसमें करते हैं, स्प्रेइंग प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक वर्कपीस होता है, इस तरीके से एक हमारे पास वर्कपीस होगा और यहाँ पर हम लोग एक नोजल का उपयोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग एक नोजल का उपयोग करेंगे और इस नोजल से हम लोग गैस फ्लो कराएंगे। यह हमारी जो जाएगी ये ऐसे गैस, गैस को हम लोग फ्लो कराएंगे। यहीं पे हम लोग जिंक पाउडर को भी फ्लो कराएंगे, इसे बोलेंगे नोजल। और ये नोजल हमारा कॉपर का बना होता है, हम लोग कॉपर का नोजल यूज करते हैं। उसके बाद जब इस कॉपर के नोजल से हम लोग गैस को और पाउडर को, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पाउडर को मेल्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिमिलर उस पाउडर को इस गैस के थ्रू हाई प्रेशर से फ्लो कराते हैं, तो जिससे वो पाउडर क्या होता है आगे जाकर उसके ऊपर चिपक जाता है वर्कपीस के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस कॉपर, ये जो हमारा है नोजल है, इसको हम लोग गन भी कह सकते हैं क्योंकि गन की तरह काम कर रहा है, कॉपर गन आर यूज, कॉपर गन का उपयोग करेंगे और ये प्रोसेस हमारा प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग की तरह एक्ट करेगा। दिस प्रोसेस एक्ट एज ए
प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग। जिस तरीके से हम लोग प्लाज्मा का उपयोग करते हैं इसके मेटल के ऊपर स्प्रे कराते हैं, सिमिलर वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करते हैं और अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे देखिए, इसमें जिंक पाउडर आर स्प्रेड बाय कंप्रेस्ड गैस बाय कंप्रेस्ड गैस सो जिंक कोटिंग आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्टील और आयरन सरफेस ऑफ वर्कपीस। स्टील या आयरन सरफेस के वर्कपीस पर ये हमारा जिंक का पाउडर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा इस तरीके से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए, जानने वाली बात केवल यही रहेगी कि स्प्रे कोटिंग में जिंक के पाउडर का यूज करेंगे, लिक्विड का नहीं, और ये हमारा प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग की तरह वर्क करेगा और जो हमारा गन होगी वो हमारी कॉपर की बनी होगी। बस इतनी चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे, है ना। तो अब उसके बाद ये भी हमारा क्या बनाएगा, सरफेस को इरोजन और कोरोजन रेजिस्टेंस बनाएगा। तो इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए थर्ड प्रोसेस हम लोग सेरारडाइजिंग पढ़ते हैं। ये हमारा क्या होता है, सेरारडाइजिंग प्रोसेस। देखिए सेरारडाइजिंग में भी वर्कपीस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। और कैसे करते हैं, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में चारों तरफ हम लोग जिंक को भर देते हैं इस तरीके से, जिंक को भर देते हैं। और यहां पर हम लोग देखिएगा, इस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सरफेस को भी आसानी से बना सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सरफेस हो, इसको हमने ऐसा रख दिया। अब इसके चारों तरफ जिंक पाउडर को भर देंगे। जिंक पाउडर को हमने इसमें भर दिया, भरने के बाद कंटेनर को बंद कर दिया और यहाँ से हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया। लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड या 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 350 या 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 12 घंटे तक इस प्रोसेस को जब करेंगे तो यहाँ का जो ये जो हमने भरा था जिंक पाउडर, ये जिंक पाउडर क्या होगा, इस टेम्परेचर पर मेल्ट होने लगेगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अब देखिए ये बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो उसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा जिससे वो मेल्ट होकर
अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और वो वेपर फॉर्म चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इस वर्कपीस के ऊपर भी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जिंक हमारा मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होगा और वो जिंक की वेपर इस वर्कपीस की सरफेस के चारों तरफ आकर कलेक्ट हो जाएगी, तो एक लेयर प्रोड्यूस करेगी। ऐसे ऑपरेशन को हम लोग सेरारडाइजिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पर इसको हम बंद चैम्बर में यूज करते हैं, जिससे कोई भी वर्कपीस रखेंगे तो उस वर्कपीस में हार्डनेस की प्रॉपर्टी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस में केवल स्मॉल साइज के नट एंड बोल्ट को ही हम लोग गैल्वनाइज करते हैं। नट एंड बोल्ट के जो हेड हमारे होते हैं, स्टड होते हैं, उन्हीं सब की गैल्वनाइजिंग हम लोग इस पर करते हैं, अदर मटेरियल की गैल्वनाइजिंग नहीं करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस जिंक पाउडर आर यूज इन क्लोज कंटेनर एंड वर्कपीस को भी उसी के बीच में रख देंगे put on between zinc powder। आप कंटेनर को क्लोज कर देंगे, then कंटेनर आर क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हीट सप्लाई हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, देन जिंक पाउडर हमारा मेल्ट होगा और वेपराइज होगा, दिस वेपराइज ऑफ जिंक आर कोटेड विथ वर्कपीस सो कोटिंग आर कंप्लीट अब इसमें जो कमी आएगी वो कमी कहाँ पे आएगी, कमी यहाँ पे आएगी। अच्छा, पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं। या तो आपका 350 डिग्री दिया रहेगा या आपका 380 डिग्री। जो कमी आएगी इसमें, इस प्रोसेस में वर्कपीस हमारा हार्ड हो सकता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सो लार्ज साइज के वर्कपीस की कोटिंग इस प्रोसेस से नहीं करते हैं। लार्ज साइज के वर्कपीस की कोटिंग स्प्रे कोटिंग से कर लेते हैं। स्प्रे कोटिंग से हम लोग क्या कर लेते हैं, लार्ज साइज वर्कपीस आर यूज। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस सरफेस आर हार्डेंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर
high temperature. So a small size of workpiece, so a small size of workpiece used only like nut and बोल्ट. तो जो नट और बोल्ट आपको मिलता है उस पर जो हमारी जिंक की कोटिंग की जाती है वो हमारी ज़्यादातर सेरार डाइजिंग प्रोसेस के थ्रू की जाती है. तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग सेरार डाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं. इसमें जो हमारी लेयर की थिकनेस प्रोड्यूस जो होती है वो लगभग 0.025 mm से 0.035 mm तक प्रोड्यूस होती है. जो थिकनेस ऑफ लेयर, यहाँ पर ये जो एक लेयर मिलेगी इसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस ऑफ लेयर इज 0.025 mm से 0.035 mm तक. बहुत स्मॉल पतली लेयर इस पर मिलती है. अब इसके बाद कितनी देर तक इसको हम इस कंटेनर में रखते हैं, तो द टाइम ऑफ सेरारडाइजिंग प्रोसेस, देखें टाइम ड्यूरिंग कोटिंग इज 3 to 12 hours, 3 to 12 hours तक इसको हम इस वर्क पीस को इसके अंदर रखते हैं. तो इस पे जो जानने वाली बात रहेगी, इसका टेम्परेचर पूछा जा सकता है और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो जिंक पाउडर होता है उसे क्लोज कंटेनर में रखेंगे या ओपन कंटेनर में, और जो जिंक की कोटिंग होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी कि वेपर फॉर्म में. तो किस में होगी, वेपर फॉर्म में होगी. और इसके बाद इसमें जो ये पूछा जा सकता है कितनी देर तक वर्कपीस को उस कंटेनर के अंदर रखते हैं. तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग सेरारडाइजिंग ऑपरेशन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग पार्किराइजिंग ऑपरेशन पढ़ लेते हैं. अगला ऑपरेशन पार्किराइजिंग ऑपरेशन पढ़ लेते हैं. पार्किराइजिंग ऑपरेशन जैसे सपोज करिए कि जब हम किसी वर्कपीस पर पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करने से पहले हम लोग पेंट की क्वांटिटी को कम लगने के लिए हम उस वर्कपीस के ऊपर इनेमल की या प्राइमर की कोटिंग कर देते हैं. तो इससे हमारा क्या होता है, वर्कपीस पर पेंट का जो वॉल्यूम है वो कम लगता है. तो अगर हमारे पास सपोज करिए कि हैवी साइज का वर्क पीस है और उसे हमें प्राइमिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम उस वर्क पीस की प्राइमिंग की जगह उसकी पार्किराइजिंग कर देते हैं. उस वर्क पीस की पार्किराइजिंग, जैसे सपोज करिए कि आपके पास मान लीजिए बहुत बड़े पाइप हैं, 20 फीट या 40 फीट का पाइप है. अब इतने लंबे पाइप पर अगर आप प्राइमिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा और कॉस्टली हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि उसे पार्किराइजिंग प्रोसेस के थ्रू एक जिंक, देखिए एक जिंक सल्फेट होता है, इस तरीके से एक हमारे पास कंटेनर होता है. अब इस कंटेनर में हम लोग एक लिक्विड को भरते हैं और
उस लिक्विड का नाम होता है मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट सॉल्यूशन। ये जो लिक्विड होता है इसे याद रखिएगा, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। तो इसके सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन होता है, पहले से हम मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट के सॉल्यूशन को तैयार रखते हैं और इस सॉल्यूशन में अपने वर्क पीस को ऐसे डिप करा देते हैं। जो भी हमारी चाहे लॉन्ग साइज की पाइप ही हो, इस तरीके से इसमें डिप कराकर बाहर निकाल देते हैं तो एक कोटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। इस कोटिंग प्रोसेस को पार्किराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इन दिस प्रोसेस metal are dipped in magnesium dihydrogen phosphate solution. Magnesium dihydrogen phosphate solution. और लगभग 45 मिनट तक इसको इसके अंदर डिप करके रखते हैं। देखें, आफ्टर 45 मिनट रिमूव द वर्क पीस, देन द कोटिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो हमारा कोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कैसे कार्य करता है, दिस प्रोसेस इज एक्ट एज ए प्राइमिंग और इनेमल कोटिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एक्ट एज ए, ऐसे देखिए, एक्ट एज ए प्राइमिंग और इनेमल कोटिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग पार्किराइजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, पार्किराइजिंग के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पहला तो हम लोगों ने हॉट डिप गैल्वनाइजिंग पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्प्रे कोटिंग गैल्वनाइजिंग पढ़ा, फिर सेराडाइजिंग पढ़ा, पार्किराइजिंग पढ़ा, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कोल्ड डिप गैल्वनाइजिंग पढ़ लेते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर इसी जगह पर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए इसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन। इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि वही जिंक के लिक्विड में मेटल को डिप करा देते थे, तो सिमिलर वही प्रोसेस होगा। बस यहाँ पर जो लिक्विड का यूज करेंगे हम लोग, जैसे कंटेनर हो गया, इस पर ये जो हम लोग लिक्विड का यूज करेंगे, ये या तो जिंक हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, लेड हो सकता है, या टिन हो सकता है। इतने तरीके के लिक्विड में हम मेटल को डिप कराकर बाहर रिमूव कर देंगे। देन आफ्टर वर्कपीस पर अगर जिंक होगा तो जिंक की कोटिंग होगी, फास्फोरस होगा तो फास्फोरस की कोटिंग होगी, लेड होगा तो लेड की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलर वही प्रोसेस, अगर ये वर्कपीस होगा तो वर्कपीस को हम कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई से, और इलेक्ट्रोड को भी, वर्कपीस को नेगेटिव, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। इन दिस प्रोसेस, देखिए इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डीसी पावर यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मोस्टली डीसी पावर आर यूज्ड इन दिस ऑपरेशन। डीसी पावर आर, देखें इन दिस प्रोसेस वर्कपीस डिप इन द सोल्यूशन ऑफ जिंक कॉमा लेड कॉमा फास्फोरस कॉमा टिन में हम क्या करेंगे, वर्कपीस को डिप करेंगे। अब उसके बाद हम लोग वर्कपीस को कैथोड एंड लिक्विड एक्ट एज ए एनोड की तरह। जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो जिंक क्या होगा, देखें अब ये जिंक का सोल्यूशन होगा, इसको अगर हम लिक्विड से मिला देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक अपने आयनों में टूटेगा, तो जिंक पॉजिटिव आयन में टूटेगा और उसके साथ जो सोल्यूशन होगा वो नेगेटिव आयन के साथ सेपरेट हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव आयन वर्कपीस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, देन हमारी कोटिंग कंप्लीट होगी। व्हेन पावर सप्लाई इज ऑन देन द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस, कोटिंग ऑफ जिंक लेड पीबी एंड टिन, कोटिंग ऑफ जिंक लेड कॉमा फास्फोरस एंड टिन आर कंप्लीटेड ऑन वर्कपीस सरफेस। ये प्रोसेस भी सेम वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। दिस प्रोसेस इज वर्क एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन। अच्छा, लास्ट में कोल्ड डिप गैल्वेनाइजिंग क्या होगा, जैसे हम लोग हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग करते थे, मतलब वर्कपीस को हॉट कंडीशन में डिप कराते थे, सिमिलर यहां पर उसी लिक्विड में वर्कपीस को कोल्ड कंडीशन में डिप कराएंगे।
तो ऐसी गैल्वनाइजिंग हमारी कहलाएगी कोल्ड डिप गैल्वनाइजिंग। अब हम लोग थोड़ा सा एनोडाइजिंग प्रोसेस कर लेते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? अगर वर्कपीस को ऑक्सीडेशन से बचाना है तो उस समय वर्कपीस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे। ऑक्साइड की लेयर बनाने से हमारे वर्कपीस के ऊपर ऑक्साइड क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। और उसे हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? ड्यू टू एनोडाइजिंग प्रोसेस। चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। देखिए, एनोडाइजिंग का मतलब ये है कि हम वर्कपीस को एक एनोड की तरह बनाएंगे और सोलूशन को कैथोड की तरह। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। सपोज करिए कि ये कंटेनर रहेगा, इस कंटेनर में हम ये जो लिक्विड भरते थे, आप यहाँ वर्कपीस रखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि ये पावर सप्लाई हो जाए, तो इस तरीके से वर्कपीस और सोलूशन को नेगेटिव टर्मिनल देंगे और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल देंगे। जब हम लोग इसमें पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस लिक्विड में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ होगा क्या, ये लिक्विड के जो आयंस होंगे, देखिए जब ये वर्कपीस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये एल्युमिनियम के पॉजिटिव आयंस नहीं, नेगेटिव आयंस हमारे क्या होंगे, इस वर्कपीस के आयन को एक्टिव करेंगे और एक्टिव करके यहाँ पे एक कोटिंग बनाना शुरू करेंगे और ये काफ़ी डीप तक इसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि वर्कपीस हमारा एक एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो इसलिए डीप तक कोटिंग करके एक ऑक्सीडाइजिंग की लेयर बना देंगे। बिकॉज आप वर्कपीस पॉजिटिव है तो अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेगेटिव होगा तो एक ऑक्सीडाइजिंग की लेयर बना देंगे। इस तरीके के प्रोसेस को एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, और यहाँ पर भी डीसी पावर सप्लाई, इन दिस प्रोसेस वर्कपीस एक्ट एज ए एनोड एंड एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सोल्यूशन और मैग्नीशियम सोल्यूशन एक्ट एज ए कैथोड। अब उसके बाद हम लोग जब पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो उस समय ये जो हमारे वर्कपीस के पॉजिटिव आयंस हैं वो एक्टिव होके रिएक्ट करेंगे नेगेटिव आयंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। व्हेन पावर सप्लाई स्टार्ट, पावर सप्लाई गिवेन, देन वर्कपीस पॉजिटिव आयंस एक्टिवेट एंड एक्ट विथ नेगेटिव आयंस ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एंड
react with negative ions of aluminium and मैग्नीशियम, देन हमारा क्या हो जाएगा, इस वर्क पीस पर एक ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू होगी, देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस की सरफेस पर एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी जो हमारी क्या करेगी, विच इज प्रोटेक्ट द वर्कपीस सरफेस बाय एटमॉस्फियर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडाइजेशन। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि सोल्यूशन के रूप में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लेंगे और वर्कपीस को इसमें पॉजिटिव रखेंगे और इलेक्ट्रोड को या इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग नेगेटिव रखेंगे। तो इस तरीके के पूरे प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, मेटल स्प्रेइंग ऑपरेशन। इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन मेटल स्प्रेइंग ऑपरेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखिए एनोडाइजिंग के कई सारे प्रोसेस हैं, ये वर्कपीस को ऑक्सीडाइजिंग लेयर से बचाता भी है, अट्रैक्टिव बनाता है, गुड लुकिंग बनाता है ना, ये भी लिख सकते हैं वर्कपीस मेड अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव। इस तरीके से इस पे हम कलर, अगर कोई कलर मिला दें, कुछ अलग कलर मिला दें, तो इस वर्कपीस के ऊपर वो हमारी कलर भी बन जाएगी। तो कलर भी चेंज हम कर सकते हैं, चेंज ऑफ वर्कपीस कलर बाय दिस प्रोसेस। तो इस तरीके के सारे प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मेटल कोटिंग प्रोसेस, है ना। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वनाइजिंग प्रोसेस के बारे में, जो हम लोग जिंक की या मैग्नीशियम की, लेड की या टिन की कोटिंग करते थे अपने वर्कपीस पर। अब हम लोग थोड़ा सा मेटल की स्प्रेइंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दो ऑपरेशन है हमारे मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसे नोट करिए, हम लोग मेटल स्प्रेइंग इधर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस।
मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। जब हम लोग मेटल को स्प्रे फॉर्म में एटोमाइज करके वर्कपीस की सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये हमारा तीन तरीके से यूज किया जाता है। पहला हमारा यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट हमारा होता है वायर मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। फर्स्ट होता है वायर मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस, और सेकंड हम लोग यूज करते हैं इसमें, सेकंड हम लोग यूज करते हैं वायर के बाद वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस, जो गोल्ड वगैरह पे करते हैं। और थर्ड हम लोग करते हैं पाउडर मेटलाइजिंग प्रोसेस, पाउडर स्प्रे मेटलाइजिंग प्रोसेस। इस तरीके से तीन ऑपरेशन से हम लोग मेटल को स्प्रे करके अपने वर्कपीस के ऊपर लगाते हैं। कैसे स्प्रे करते हैं वो देखिए। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा वर्कपीस हो, इस तरीके से हमारे पास ऐसा वर्कपीस हो, इस सरफेस पे हमें पूरी सरफेस पर मेटल की कोटिंग करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक गन का यूज करेंगे, इस तरीके से गन का यूज करेंगे। अब इस गन में हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पर एक हमारे पास वायर रोलर होगा जो इस तरीके से ऐसे आगे जाएगा, ये हमारा कहलाएगा वायर रोलर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो सिलेंडर का उपयोग करते हैं। देखें एक सिलेंडर इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और एक और सिलेंडर हम लोग यूज करेंगे। एक सिलेंडर में हम लोग अपना कंप्रेस्ड एयर भरते हैं, कंप्रेस्ड एयर और दूसरे सिलेंडर में हम लोग एसिटिलीन गैस को भरते हैं। एसिटिलीन गैस C2H2 गैस। हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, सिमिलर इसी तरीके से इस पाइपलाइन को भी हम लोग आगे ले आएंगे और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए जब ये एसिटिलीन गैस हमारी बर्निंग गैस होती है, जलने वाली गैस होती है, और जब ये गैस हमारी यहाँ पे आएगी, जब इस कंप्रेस्ड गैस के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ कंप्रेस्ड के रूप में या तो हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं या हाइड्रोजन गैस का यूज कर लेते हैं, तो दोनों गैसेस हमारी बर्निंग में हेल्प करती हैं। तो जब ये एसिटिलीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी और यहाँ पर हम लोग आर्क देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क जनरेट हो जाएगी। अब ये आर्क हमारी क्या होगी, देखिए ये हमारा एक आर्क जनरेट हो जाएगा, इस तरीके से आर्क जनरेट हो जाएगा। देन इस आर्क के कांटेक्ट में इस रोलर वायर को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा इस तरीके से रोल करेगा तो ये रोलर वायर इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। जब आगे जाएगा ये वायर इस आर्क के कांटेक्ट में आएगा तो हीट होकर तुरंत मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर
फिर उसके बाद लिक्विडिफाई में आ जाएगा, और जब ये कंप्रेस्ड एयर के संपर्क में आएगा तो ये एयर इसे एटोमाइज कर देगी, इस लिक्विड वायर को एटोमाइज कर देगी, और एटोमाइज करके यहाँ पर ड्रॉप के रूप में ऐसे आकर ये वायर इसके ऊपर एटोमाइज फॉर्म में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कोटिंग कंप्लीट होगी। ऐसे कोटिंग प्रोसेस को हम लोग वायर मेटल स्प्रेइंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायर का उपयोग कर रहे हैं। चलिए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग वायर स्प्रेइंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये जो गन हमारी यूज की जाती है ये होती है कॉपर गन। इसमें कॉपर गन का उपयोग करेंगे तो वायर आर, देखिए यहाँ पे ये जो होगा हम लोग नोट कर लेते हैं, ऐसे वायर आर मेल्ट एंड एटोमाइज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देन स्प्रेड बाय कंप्रेस्ड एयर एंड कोटिंग ऑन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस। तो इस तरीके से वर्कपीस की सरफेस पर ये एटोमाइज होकर एक कोटिंग को कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा होगा वायर मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। इसमें जो हम लोग गैस का यूज करते हैं वो एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। क्यों? एसिटिलीन गैस आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग द वायर, फॉर मेल्टिंग द वायर, एंड कंप्रेस्ड गैस आर यूज्ड फॉर एटोमाइजिंग द वायर, एंड कंप्रेस्ड गैस आर यूज्ड फॉर एटोमाइजिंग एटोमाइजिंग द वायर लिक्विड। तो इस तरीके से एटोमाइज करने के लिए हम अपनी कंप्रेस्ड गैस का उपयोग करते हैं। अब इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा। अच्छा, सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो, अगर इसे हमें नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर देंगे जो मेटल नॉन कंडक्टिव हो। तो हम क्या करेंगे, अगर वर्कपीस के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हटाकर नॉन कंडक्टिव बनाना चाहें तो इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग किस लिए करते हैं, वर्कपीस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज चेंज इंटू नॉन कंडक्टिव वर्कपीस। दूसरी बात, अच्छा सपोज करिए कि ये वर्कपीस वर्किंग करते समय कहीं पतला हो जाए, कहीं मोटा हो जाए, इसकी एज कहीं टूट जाए,
तो उन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसकी एजेस को या इसके हम कह सकते हैं डायमेंशनल एक्यूरेसी को कंप्लीट करने के लिए या थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए हम एक इसके ऊपर लेयर लगाते जाएंगे, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं यूज फॉर इंक्रीज द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस, डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस। तीसरी बात, अगर इस वर्क पीस को अट्रैक्टिव बनाना हो, गुड लुकिंग बनाना हो, साइनिंग करना हो, तो भी हम इसको करते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग साइनिंग और अट्रैक्टिवनेस ऑफ वर्क पीस। अट्रैक्टिवनेस ऑफ वर्क पीस। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। अब उसके बाद लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पाउडर स्प्रेइंग और वैक्यूम स्प्रेइंग भी लगभग सेम होता है। हम लोग वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोने वगैरह के जो हमारे, जैसे लोकल जो हमारे गहने वगैरह होते हैं, उस पर जो कोटिंग करनी होती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ, अगर हमें गोल्ड के मेटल की कोटिंग करनी हो, मान लीजिए यहाँ लिक्विड की जगह गोल्ड का उपयोग करें, अब ये गोल्ड इसके ऊपर अगर आकर कोटिंग होगा और उसकी लेयर बहुत मोटी हो जाएगी, तो वो वर्क पीस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। जो हमारे गुड्स वगैरह बनेंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सबसे कम कॉस्ट में, मतलब बहुत पतली लेयर ऐसी गोल्ड की बनाई जाए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो। तो अब एटोमाइजिक फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं, तो एटोमाइजिक फॉर्म में यहाँ पर मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में जाकर एटोमाइज होकर चिपक रहा था, तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम मेटलाइजिंग का उपयोग करेंगे, ताकि उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वैक्यूम मेटलाइजिंग। चलिए, वैक्यूम मेटलाइजिंग, प्रोसेस इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हमारे पास वैक्यूम चैम्बर बनेगा इस तरीके से। एक हमारे पास वैक्यूम चैम्बर बनेगा, फिर इस वैक्यूम चैम्बर में हम लोग सपोज करिए ये हमारे पास वर्क पीस था। इस वर्क पीस को हम लोग इस वैक्यूम चैम्बर से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। ऐसा कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जिस भी लिक्विड की कोटिंग करनी हो, सपोज करिए इसमें हम लोग सिल्वर की कोटिंग कर लेते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर लेते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर की अगर कोटिंग करनी हो इस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर रखेंगे, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कराएंगे। हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कराने पर ये वैक्यूम चैम्बर होगा। इस वैक्यूम चैम्बर में जब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कराएंगे, तो ये मेटल हमारा गर्म होकर स्प्रे फॉर्म में क्या होने लगेगा, मतलब ये मेटल हमारा गर्म होकर वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो वेपर आकर इसके ऊपर बहुत पतली लेयर
बनाना शुरू कर देगी। आफ्टर सम टाइम इस प्रोसेस को स्टॉप करके मेटल वर्कपीस को बाहर निकाल लेंगे, तो इस वर्कपीस के ऊपर एक पतली सी या तो गोल्ड की लेयर या सिल्वर की लेयर हो जाएगी, तो इससे वर्कपीस की कॉस्ट हमारी सस्ती रहेगी, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। और वैक्यूम चैम्बर इसलिए यूज करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना आने पाए, जिससे बहुत कम क्वांटिटी का मेटल आकर इसके ऊपर चिपके। तो इन दिस प्रोसेस वैक्यूम आर यूज्ड बिकॉज क्यों हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये मेटल जो हमारा वेपर फॉर्म में जाकर चिपकेगा वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना देने पाए, बिकॉज अवॉइड ऑफ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। व्हेन हीटिंग द मेटल जब मेटल को हम हीट करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। दिस वेपर इज यूज फॉर मेटल कोटिंग। दिस वेपर इज यूज फॉर मेटल कोटिंग। अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल फॉर कोटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेरी थिन लेयर ऑन द वर्कपीस सरफेस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस कहेंगे। अच्छा, लास्ट जो था पाउडर स्प्रेइंग प्रोसेस, ये होता इसी तरीके का है, बस यहाँ पर अगर ये पाउडर स्प्रेइंग प्रोसेस हो जाए तो यहाँ पर वायर की जगह पाउडर का यूज करेंगे, और वो पाउडर क्या होगा, यहाँ एसिटिलीन गैस रहेगी, यहाँ कंप्रेस्ड गैस रहेगी। जब एसिटिलीन गैस यहाँ बर्न होगी और यहाँ वायर की जगह पाउडर जाएगा, तो वो पाउडर क्या होगा, हाई हीट की वजह से मेल्ट होगा और वहीं पे एटोमाइज हो जाएगा। फिर वो एटोमाइज पाउडर सीधे कंप्रेस्ड एयर के साथ कंप्रेस होकर वर्कपीस के ऊपर चिपक जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग पाउडर स्प्रे मेटलाइजिंग प्रोसेस के नाम से जानेंगे। बस ये जानिएगा उसमें भी एसिटिलीन गैस और कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे, लेकिन जो वायर की जगह पाउडर यूज करेंगे वो आपका ड्राई पाउडर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया, इस टॉपिक से एसएससी जेई में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ये टॉपिक आपका आरआरबी जेई से रिलेटेड है, इसमें आपका रेलवे जेई में हमेशा क्वेश्चन आता है ना। कभी कदार किसी स्टेट इंजीनियरिंग में पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक पूरा हमारा केवल और केवल रेलवे जेई से रिलेटेड है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो थैंक यू।